मॉर्निंग एवरीवन. अभी जस्ट मैं उठी हूँ हाफ एन आवर पहले और मम्मी के यहाँ आई हूँ, तो आधा घंटा थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ. और उठते ही ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और मम्मी ने आज सुबह बनाई है पाव भाजी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसी है पाव भाजी. बहुत ही टेस्टी पाव भाजी है और मैं और मेरे ब्रदर खाने वाले पाव भाजी. वो एक्चुअली आएगा नहीं तो थोड़ा शाय फील करता है, बट बहुत जल्दी उससे भी आप लोगों को मिलवाऊंगी. सो पाव भाजी खाकर फिर मैं भी जा रही हूँ अपने हेयर का करवाने के लिए, क्योंकि आज आई थिंक ऑलमोस्ट अब हो चुके हैं स्ट्रेट जितने होने थे, और फिर अब आपसे निकल के बात कर. मैं अभी घर आ चुकी थी, घर आकर फिर फ्रेशन अप हुई और अभी खाना खा लिया. सो आप लोगों को मम्मी से मिलवाती हूँ. और मम्मी थोड़ा सा शर्मा रही है, आओ इधर आओ. ये मेरी मम्मी है. हेलो एवरीवन. तो ये मेरी मम्मी है. सो अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है और अभी हम लोग थोड़ा सा वॉक करने जा रहे हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं. तो मैं अभी घर आ गई हूँ वॉक करके और बस अभी सोने की तैयारी चल रही है. अभी विशी से बात हुई थी और वो अभी खाना खा रहे हैं, तो आज वो भी थोड़ा सा लेट हो गए थे. सो खाना खा रहे हैं अभी, बट अभी ठीक है, 9:30 ही बज रहे हैं. और अभी मैं थोड़ा सा बैठूंगी मम्मी के साथ, बात बात करूंगी. बहुत दिनों बाद ये मौका मिला है बात करने को, और आई थिंक जो भी लड़कियां जाती होंगी वो सब भी बहुत बातें करती होंगी. सो उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ. अभी थोड़े से बाल बहुत चिपके चिपके से आ रहे हैं और कल मेरा हेड वॉश होगा, सो कल फिर से जाना पड़ेगा. और कल थोड़ा सा एक न्यू लुक देखने को मिलेगा. अभी देख सकते हो आप कितने ज़्यादा अभी बाल बहुत ज़्यादा चिपके चिपके से हो रहे हैं. सो आप लोगों से फिर कल मिलते हैं. So look at this. इतना ज़्यादा बैडमिंटन खेला है आज, हालत खराब हो रही है. I'm sweating a lot. टी शर्ट को अगर निचोड़ लें तो इतना पसीना निकल जाएगा, इसकी बात नहीं है. मंदिर भी जाए हैं और शनिदेव के मंदिर जाना था सैटरडे को, वहाँ जाकर आए और ढेर सारा खेला आज, बहुत थक गए हैं. अब ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत डिनर वगैरह करेंगे और फिर फुल ऑन एडिटिंग करनी है. काफ़ी सारे ब्लॉग्स पेंडिंग है तो सबके एडिटिंग बात टू बात करेंगे आज. हेलो एवरीवन. और मैं अपने हेयर करवा कर आज आ चुकी हूँ और मेरे को यहाँ पे टाइम नहीं मिला क्योंकि मम्मी के साथ खूब बातें बातें सब हो रहा था और मेरे काफ़ी कज़न्स भी आ गए थे. सो उन लोगों के साथ बिजी थी, तो मैं आज अपना हेयर वॉश अपना डन करवाई हूँ. मैंने एक हल्का स्लाइड्स अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने आज हल्का सा वो लिए चंक्स लिए. सो अभी मैंने विशी को बताया नहीं है क्योंकि उनको ये पसंद नहीं है कलर. सो मैंने ये करवाया एंड मैंने अपना नेल का थोड़ा सा अपना वो करवाया. सो आई एम डन अभी बाहर जाने के लिए और आज मैं विशी लेने आ रहे हैं मुझे. सो अब हम फाइनली मैं अब घर जाऊंगी, घर जाके देखते हैं क्या अभी हो रखा है, क्योंकि बहुत मतलब लाइक दो दिन से क्या काम हुए क्या नहीं. बट फिर भी मेड है, बट जो चीज़ लड़कियाँ सेटल कर सकती हैं वो मेड नहीं कर सकती. सो घर जाती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ. अभी वो आने वाले हैं थोड़ी देर में, फिर हम लोग लंच करके फिर हम मूव करेंगे अपना. So, आज हम लोग एक फ़ोन का रिव्यू करने जा रहे हैं, दैट इज़ वीवो V23. अब ये फ़ोन का मैं आपको कैसे बताऊँ, ये फ़ोन एक्चुअली सेटी को दिलाया गया है, ठीक है. तो सेटी के लिए लिया है हम लोगों ने क्योंकि सेटी के पास अभी फ़ोन नहीं था. सो हमने सोचा चलो उसको एक फ़ोन गिफ्ट करते हैं, इसीलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ. एज मैं वीवो यूज़ नहीं करता तो मुझे इतना पता नहीं है, बट अभी ये यूज़ करेगा तो मैं पता लग जाएगा. फ़ोन का कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है, फ़ोन कम्स अराउंड 30,000-31,000 का फ़ोन है, ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. बट इसकी फ़ोन की फीचर्स और रिव्यूज़ पढ़कर मैंने इसको गिफ्ट किया है क्योंकि इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं. इट्स एन अमेजिंग फ़ोन इन दिस प्राइस स्लॉट. रीज़न बीइंग कि भैया इस प्राइस स्लॉट में जितने भी फोन आ रहे हैं ना, वो ये एक एक्चुअली मीडियोकर प्राइस स्लॉट है जिसमें ज्यादा अच्छे कैटेगरी के फोन्स नहीं है अलॉन्ग विद गुड फीचर्स, बट देन इसके फीचर्स बहुत अमेजिंग है. सो लेट मी अनबॉक्स दिस फोन फॉर यू. पहले देखते हैं, वैसे तो थोड़ा बहुत अनऑफिशियली सेटिंग कर चुका है, थोड़ा सा ऑफिशियली और हम कर देते हैं. हाँ, सो दिस इज हाउ इट लुक्स. इट लुक्स सो अमेजिंग. लुक एट दिस, लुक एट दिस एंड लुक एट द एजी पार्ट ऑफ दिस. लुक एट दिस, look at this, look at this. This has got a 64 megapixel camera. इसका मतलब best बात क्या है कि जब आप इसे selfie mode पे video लेते हैं ना, so the best thing is उसमें आपको ultra wide angle मिलता है. What else one can ask for? मतलब आपको selfie mode पर video shoot करते time ultra wide angle मिलेगा, which means अगर आप ये vlogging के लिए भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस फोन को easily कर सकते हैं. अब देखते हैं इसके साथ box में क्या क्या है. So ये सेटी का फोन है जो हमने उसको दिया है. अब सेटी इसको यूज करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है.
आप इसमें देखिए, इसके साथ आता है एक कवर जो कि इट्स क्वाइट अ गुड क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का ट्रांसपेरेंट है, जिससे कि फोन का लुक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अगर आप फोन पे लगाएंगे तो फोन का लुक भी बहुत अच्छे से विजिबल होगा। देन दिस टिपिकल बुकलेट, विच पता है लोग इसको ना यूजलेस समझते हैं, कुछ लोग इसको अनबॉक्सिंग में फेंक देते हैं, बेकार समझते हैं, बट आई थिंक इफ यू वॉन्टेड टू यूज फोन इन अ ग्रेटर मैनर, इसको जरूर पढ़ो, गो थ्रू इट। अगर हमने पढ़ाई करी है थोड़ी सी, तो हमने इसीलिए तो करी है कि कई ऐसी चीजें जिनमें हम बारीक फीचर्स किसी चीज के समझ पाए तो समझ पाए, इससे सीखे हम। ठीक है, हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देख के सीखते हैं, दैट इज नॉट बैड एट ऑल, बट देन अगर आप इस पे पढ़ेंगे तो आपको और भी टेक्निकल एस्पेक्ट फोन के समझ में आ जाएंगे। सो लेट्स लीव दिस असाइड। इसके साथ मिलता है आपको एक चार्जर, विच इज अ वेरी गुड चार्जर और काफी अच्छा, आई थिंक इसका काफी अच्छा क्वालिटी रहने वाला है चार्जर का, बिकॉज इट लुक्स प्रीटी अमेजिंग, बट इट लुक्स क्वाइट बिग, अजीब सा लग रहा है मुझे तो, बट देन आई थिंक ठीक है, अच्छा है, तो उसमें पावर सप्लाई अच्छी देगा आपको, जल्दी आपका फोन चार्ज करेगा। आई बिलीव इट्स अ टर्बो चार्जर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, फ्लैश चार्ज लिखा है, आई बिलीव दैट मींस टर्बो चार्ज, मतलब हर कंपनी अपने भी तरफ से अपने ब्रांड को नेम देती है, उन्होंने इसको फ्लैश चार्ज लिखा है, विच मींस जल्दी चार्ज करेगा, सो इट मींस इट इज अ गुड डील। फाइन, नाउ कम्स दिस यूएसबी कॉर्ड, आई थिंक ये चार्जिंग केबल है इसका, एक्सक्यूज मी, दिस इज अ चार्जिंग केबल। द बेस्ट पार्ट इज ईयर प्लग्स, अभी भी अगर कहीं से आपको कोई फोन ईयर प्लग्स दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज सैमसंग और उसमें नहीं मिलते ना विषय। हाँ, सैमसंग आजकल कुछ नहीं दे रहा है, दे डू नॉट इवन प्रोवाइड चार्जर्स, दे ओनली गिव यू दिस अलोंग विद द बॉक्स, दैट्स ऑल एंड यू आर डन। अभी ये आपको ईयर प्लग्स दे रहे हैं, विच मीन्स प्रीटी गुड डील, क्योंकि ईयर प्लग्स आते ही नहीं आजकल, आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं, और जब आप अलग से खरीदते हैं सो एट टाइम्स लोग क्या करते हैं, इसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ब्रांडेड नहीं लेते हैं, लोकल लेते हैं, उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता, बट जो कंपनी के साथ आते हैं उसका क्वालिटी बहुत अमेजिंग होता है, तो दिस इज ऑल्सो गुड इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स। फाइन, देन कम्स ये क्लिप विच ओपन्स अप द सिम स्लॉट, सो दिस इज ऑल्सो फाइन, दिस इज कूल, एंड देन कम्स द बेस्ट पार्ट। पता है आपको, मैं एक चीज बताता हूँ, अबाउट सम टाइम बैक, अबाउट कपल ऑफ ईयर्स बैक, आई बॉट सैमसंग का मैंने S20 Plus लिया था, और उसमें कनेक्टर नहीं आता, आप कोई भी लोकल कनेक्टर लगाओ काम नहीं करेगा, कहीं से भी कोई भी कनेक्टर परचेस कर लो काम नहीं करेगा, यू हैव टू बाय अ सैमसंग कनेक्टर इन ऑर्डर टू मेक दैट फोन अवेलेबल फॉर माइक्स एंड और फॉर द ईयर प्लग्स विच हैज गॉट दिस काइंड ऑफ केबल। फाइन, सो दिस कनेक्टर हैज गॉट अ प्रीटी मच गुड इंपॉर्टेंस व्हेन इट कम्स टू फोन्स। फाइन, बट उसमें ये नहीं था, मुझे खरीदना पड़ा, that too it was very expensive that point of time, I guess 3000 rupees ka tha wo jab maine kharida tha, which is an expense mere liye utna nahi tha, because mere ko need thi uski to maine khareed liya, but then agar koi ek banda hai jo student hai aur agar usko 3000 rupees ki cheez kharidni padi to wo to ye sochega na yaar jis cheez ko main 200 rupees mein khareed sakta tha, Samsung ne usko itna expensive bana diya, to ye achhi cheez hai, inhone ye diya aapko free of cost, which makes this phone a complete phone, it has got everything you want in 30,000 bucks and it has got all the quality features which you want or which you expect from a very good phone, so I think it is a must buy, और मेरे को भी रिव्यूज बहुत अच्छे लगे इसलिए मैंने खरीदा। सो सेटी अब यूज करेगा इसको एंड ही विल लेट अस नो द परफॉर्मेंस, और थोड़े टाइम में फिर मैं परफॉर्मेंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा।